नमस्कार दर्शकों, वेब दुनिया के धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। देव कृपा के साथ में हमें पितरों की कृपा भी चाहिए होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ पक्ष आता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किए जाए, क्या विधान है, ये हमें बता रहे हैं पंडित दिलीप शास्त्री। पितृ पक्ष साहब, जैसे कि तीन प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, तो ऐसे पितृ भी देवता के समान है। जैसे सभी देवताओं का उत्साह और त्योहार आते हैं, उसी प्रकार से ये 16 दिन जो है वो पितरों के निमित्त होते हैं। इसमें हम पितरों के लिए कार्य करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, हमको धन धान्य समृद्धि प्राप्त होती है। पितृ देवता जैसे कि ये श्राद्ध में जो भी तिथि, जिनके पितरों के निमित्त जो तिथि आती है, उस तिथि के रोज गौ को ग्रास प्रदान करें। ऐसे 5 ग्रास निकलते हैं, गौ ग्रास, और ब्राह्मण भोजन का भी विधान है, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्या कृता उरु तदस्यजद वेश्या पद्भ्यागु शुद्र अजायत। इस यजुर्वेद मंत्र के अनुसार ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुख से निकला है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से वो भगवान के मुख में जाता है। तो पितरों के निमित्त हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। और ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है कि ये 16 दिन में जो हमारे पितृ रहते हैं, वो पृथ्वी जो है वो आकाश के समकक्ष आ जाती है अभी 16 दिन में। तो पितृ जो हमारे, वो 16 दिन वहाँ पे अपनी अंजलि बांध करके और खड़े रहते हैं कि हमारे जो भी संतान है, जो भी उनके परिवार के लोग हैं, वो 16 दिन में हमको अंजलि से, तर्पण के माध्यम से और ग्रास के माध्यम से या ब्राह्मण भोजन के माध्यम से जो भी अर्पण करेंगे वो हमें प्राप्त होगा। तो वो हम यदि करते हैं तो पितृ वहाँ पे उनको ग्रहण करते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं, तो सभी धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। उसमें यदि कोई अज्ञात तिथि है तो सर्वमित 16वां दिन जो है वो सर्वपितृ अमावस्या का आता है। वो सर्वपितृ अमावस्या तिथि जो है वो अज्ञात, यदि हमको कोई तिथि ज्ञात नहीं है तो उसी रोज उनका श्राद्ध कर लेना चाहिए। सबसे सरल चीज में ये सब, जिस रोज तिथि हो उस रोज तिथि को हम अपने जहाँ पे जल इत्यादि रखते हैं वो परंडे के ऊपर एक कंडा जलाकर अग्नि में गुड़ और घी की धूप दे दें, और गुड़ घी की धूप देने के साथ में यदि हम कुछ भी पकवान मिष्ठान बनाते हैं तो वो गौ माता को खिला दें, और भी अपनी शक्ति हो तो ब्राह्मण भोजन करा दें। इसमें भी हमारे जो है वो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि यदि पितृ आपके प्रसन्न नहीं है तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते, और यदि पितृ प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है। क्योंकि पहले तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये श्लोक के अनुसार भी पहले माता और पिता ही बताए गए। यदि हम माता पिता के नहीं हुए, हमारे पितरों के नहीं हुए, तो भगवान भी सोचते हैं कि हमारे क्या होंगे। तो इसलिए पहले पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है, और यदि हमारे पितृ देवता प्रसन्न है तो सभी देवता भी प्रसन्न है। पितृपक्ष में ये पितृदोष तो ये है साहब की, जैसे कि ये 16 दिन में हमारे पितृ जो है वो हम उनको श्राद्ध के माध्यम से यदि ब्राह्मण भोजन नहीं कराते हैं, गौ ग्रास नहीं देते हैं, और कुछ भी उनके लिए धूप ध्यान भी नहीं करते हैं, दिया भी नहीं जलाते हैं घी का उनके नाम का, अमावस्या प्रति अमावस्या को भी याद नहीं करते हैं, उनकी वार्षिक तिथि को भी याद नहीं करते हैं, 16 श्राद्ध में भी याद नहीं करते हैं, तो फिर वो आज जो पितृदोष चला है कि ये पत्रिका में पितृदोष है आपके, इसमें ऐसा, ये पितृदोष वही है कि वो 16 दिन वहाँ मैंने बताया पहले कि वो अंजलि बांधकर खड़े रहते हैं कि हमारे लिए हमारे बेटा या जो भी पोत्र है, प्रपोत्र है, वो कुछ भी तर्पण के माध्यम से हमको दे, लेकिन यदि नहीं देते हैं तो फिर वहाँ से वो शाप देते हैं, और शाप वो ही पितृदोष के रूप में पत्रिका में आने वाली संतति में आता है, कहा गया है। लेकिन वो अकाल मृत्यु यदि किसी की होती है तो ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि वो सर्प योनि में आता है। लेकिन अकाल मृत्यु हो तो, अकाल मृत्यु भी परिवार में यदि कोई हुआ है तो उसके निवारण के लिए भी शास्त्र में बताया गया है, श्रीमद् भागवत जो है वो उसका पाठ करें, और 16 श्राद्ध में भी यदि पितरों के निमित्त कोई अकाल मृत्यु हुआ और यदि पितृ प्रसन्न भी नहीं है, अकाल मृत्यु कोई नहीं भी हुआ है, और इसके बाद भी यदि पितृदोष है और पितरों के निमित्त यदि हमको कुछ शांति के लिए उपाय है, तो वो 16 श्राद्ध में श्रीमद् भागवत पारायण का पाठ योग्य विद्वान के द्वारा कराना चाहिए।